जनवरी 2021 में मुजफ्फरपुर के कांठी के पकड़ी पकोही गांव में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष व जिम संचालक रोनोजीत पासवान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हत्या के बाद उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। वहीं इस ऐलान के बाद अब मुजफ्फरपुर में इस योजना के तहत एक युवक को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बता दें कि यह जिले का पहला ऐसा मामला है। 13 जनवरी के कैसे हुई थी हत्या? अपने मने आप हुआ, कुछ नहीं हुआ। भीम आर्मी के जो नेता थे? हाँ, रणजीत कुमार, वो करे हत्या। जिम संचालक था, सो जिम चलाते थे। उन्हीं के एवज में उनकी हत्या के बाद उनके भाई को नौकरी की मांग कर। हाँ, हाँ। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब करेंगे जी, होगा नौकरी। हाँ, आरोपियों को तो सजा का ऐलान भी हो गया, आजीवन कारावास की सजा हुआ है, 3 गो भागा हुआ है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। कहाँ से आई है? 13 जनवरी 2021 को कांटी विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी पकोही गांव में एक नौजवान दलित समाज का युवक रोनोजीत पासवान का दिन के उजाले में अपराधियों के द्वारा चाकू घोप कर निर्मम हत्या कर दिया गया था। उस हत्याकांड में करीब आधे दर्जन नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। मामला कर्जा थाना में दर्ज हुआ था और मामला दर्ज होने के उपरांत पीड़ित परिवार से देश के कई बड़े बड़े दलित और सामान्य वर्ग के नेता लोग आकर पीड़ित परिवार से मिले थे। सबों ने कहा था कि न्याय दिलाएंगे, लेकिन यह परिवार को आश्वासन का लाभ नहीं मिला। हम सबके सहयोग से ये परिवार लड़ते हुए और पिछले महीने न्यायालय के द्वारा जो भी नामजद अपराधी थे उसमें से 2 अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि यदि राज्य के किसी दलित परिवार में किसी का हत्या होता है तो सरकार उस परिवार के एक पढ़े लिखे इंसान को नौकरी देगी। इस संदर्भ में आज से 1.5 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी से उसकी माँ श्रीमती रेखा देवी और भाई अमर पासवान के साथ मैं मिला था आवेदन लेकर, और जिलाधिकारी महोदय ने मुख्यालय से संपर्क किया और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे मामले में जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक के सरकार नौकरी नहीं देती है। पिछले महीने 2 अभियुक्तों का आजीवन कारावास हुआ, जेल में बंद हैं। और उसी संदर्भ में पीड़ित रेखा देवी पासवान और अमर पासवान, जो इनके एकमात्र लड़के हैं, ग्रेजुएट लड़का है, पढ़ा लिखा है, इसकी नौकरी की मांग को लेकर हम जिलाधिकारी से मिलने आए थे। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।